जब आप सावन के महीने में दो लोटा जल महादेव जी को चढ़ाने के लिए जाओ, तब तीन चीजें अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर का तो दो लोटा जल जब घर से लेकर जाओ तो जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लेकर जाओ, एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर दूसरा हाथ से अगर कोई काम हो, पल्लू लेना हो या कोई कार्य हो तो कर सकते हो। एक के ऊपर एक लोटा रखकर भगवान की भक्ति धारण करते हुए तीन चीजों में एक चीज जल, दो लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम एक माला जरूर कर ले, जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले तुम्हारे आसपास में, नहीं मिले तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिली जाए उसको सिर पे। हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का जब आंवला नोमी आती है ना, तो आंवला नोमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो तो कहते हैं कि हजारों अश्वयज्ञ के पुण्य के बराबर, भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता। आंवले के वृक्ष की पत्ती तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की विरल भक्ति प्राप्त हो सकती। अभी और मान लो बेलपत्र भी ना मिले तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते। बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का भी चंदन हम लगा सकते, चंदन। हमने एक बार पहले ...2019 में एक बात कही थी, आपके स्मरण में है कि नहीं वो पता नहीं हमको, पर हमने कहा था कि मान लो यदि कोई बहुत ज्यादा कार्य अटक रहा हो, बहुत ज्यादा कार्य अगर अड़ रहा हो, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक रोज लगाकर आप अपने कार्य के प्रति जाओगे तो 15 या 20 दिन में या एक महीने में वो कार्य पूर्ण होता ही है। बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी चंदन के बराबर, चंदन। तीन कार्य में से एक कार्य बाबा को दो लोटा जल, दूसरा कार्य बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव की मंत्र जाप करना, और तीसरा कार्य सावन के महीने में प्रयास करना कि एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाना जो वृक्ष बढ़ सके और आने वाली पीढ़ी के लिए आनंद करे। बेलपत्र शिव का नाम लेकर भगवान शंकर की स्तुति करकर शिव के करीब। शिव को समर्पित कर भाव से ये भाव रखकर लगाना कि हम जिंदा हैं तो बेलपत्री का पत्ता, बेलपत्र हम भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र हम शंकर को चढ़ा रहे हैं। जब हम नहीं रहेंगे तब वो बेलपत्र का पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो उस बेलपत्र को कोई शिव पर चढ़ाएगा, हमारे मरने के बाद भी हमारी बेलपत्र शंकर को चढ़ती रहेगी और हमारा कल्याण होता रहेगा। समर्पित कर तीन चीजें, एक सावन के महीने में दो लोटा, जम के बोलो जरा जल, सारी समस्या का हल। दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय,
परंतु पुरुष और स्त्री दोनों पंचाक्षर और षडाक्षर मंत्र को जरा समझना। अगर पुरुष नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा है तो पुरुष सीधे चालू करेगा षडाक्षर मंत्र से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पर स्त्री जब भी मंत्र का जाप करेगी तो पंचाक्षर से चालू कर षडाक्षर पर पहुंचेगी। कहां से चालू करेगी? हमने पहले भी कथा में बताया, कहां से? जम के बोलिए जरा, नमः शिवाय, फिर बाद में षडाक्षर पर आएगी ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। पुरुष ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप सकता, पर स्त्री पंचाक्षर से चालू कर षडाक्षर पर पहुंचेगी।